तो क्या आप जानना चाहते हैं ओप्पो रेनो 3 के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलहा फ्रॉम तलहा रिव्यूज। तो आज हम बात करेंगे ओप्पो की रेनो सीरीज के हवाले से, मतलब कि ओप्पो रेनो 3 की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओप्पो की रेनो सीरीज के और भी बहुत से मोबाइल हैं, ओप्पो रेनो 2, 2F है, 2Z है मेरा ख्याल। तो अभी हम बात जिस मोबाइल के बारे में करने जा रहे हैं वो है ओप्पो का रेनो 3। तो ज्यादा बकबक नहीं करते, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर लाइक नहीं किया वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। या इस बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है, जैसे भी करना है आपको बस क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले आप ये चीज जान लें कि मैं अपकमिंग स्मार्टफोन पे डेली वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर पहली नहीं देखी तो जल्दी से चैनल पर जाके वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई लोग बात शुरू करें डिस्प्ले से, तो डिस्प्ले भी आपको 6.5 इंच का एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 1080p/2400 की आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी इसके डिस्प्ले में। आगे बात करते हैं इसके एंड्रॉइड वर्जन की, तो 9 पाई है अपग्रेड की ऑप्शन दी हुई है OS 10 की। तो उसके अलावा इसमें आपको रैम और रोम जो है वो 8GB 128GB 8GB 256GB देखने को मिलेगी। माइक्रो SD जो है 256GB की आपको स्पोर्ट देखने को मिलेगी इस मोबाइल फोन में। आगे चलते हैं इसके कैमराज की तरफ, तो बैक पे आपको जो है क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिनमें मेन कैमरा रियर कैमरा जो होगा वो आपको 60 मेगापिक्सल का मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा आपको एक 13 मेगापिक्सल का जो है टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का जो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। ये चीज क्लियर होगी। फ्रंट पे बात करते हैं, फ्रंट पे आपको जैसा कि पता है रेनो आपको पुपअप दे, और पुपअप भी कुछ ऐसी शेप में दे रहा है जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा फ्रंट पे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ओप्पो का। आपको जैसा कि मालूम है, अगर आप ओप्पो यूजर हैं तो लाजमी से कमेंट करें आप। तो अभी बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। आपको इसमें ऑक्टा कोर देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको जो चिपसेट होगा वो स्नैपड्रैगन का 730G देखने को मिलेगा, जो कि 8 नैनोमीटर पर बेस्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं इसकी बात करते हैं जीपीयू की। तो जीपीयू यार आपको देखने को मिलेगा एड्रेनो 618। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं मोर फीचर्स की तरफ। तो मोर फीचर्स में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो ब्राउजर होगा वो HTML5 पे बेस्ड होगा। इसमें आपको USB-C टाइप की पोर्ट देखने को मिलेगी, और उसके अलावा इसमें गेम्स और ऐप रनिंग्स की अगर बात करें तो वो आपको चीज बिल्ट इन डाउनलोड देखने को मिलती है। ये हर मोबाइल फोन में बिल्ट इन डाउनलोड होती है। तो यार कुछ लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि ये मोबाइल 5G है। नहीं यार, बिल्कुल ये बात झूठ है, गलत है, क्योंकि ये मोबाइल 4G LTE आने वाला है। तो 5G का कोई तल्लक नहीं है इस मोबाइल फोन से। तो ये चीज भी आप अपने माइंड सेट में रख लें और क्लियर कर लें। भाई लोग एंड पे बात करते हैं प्राइस और बैटरी की। पहले बताता हूँ मैं आपको बैटरी, तो 45 mAh की आपको बैटरी प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ आपको 30 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है देखने को। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको जो टेक्नोलॉजी मिल रही है वो वूक 4.0 है। आमतौर पर आपको वूक 3.0 देखने को मिलती है, लेकिन इसमें आपको 4.0 देखने को मिली है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जी हाँ दोस्तों, बताता हूँ प्राइस। तो यार प्राइस जो इसकी होने वाली है वो है 84,999 रुपए, जो कि अभी एक्सेप्टेड की जा रही है। खैर मुझे लगता है कि यार थोड़ी कम होगी, इतनी ज्यादा प्राइस नहीं होगी 85,000 रुपए। इससे अच्छा बंदा जो है फिर वीवो का V70 Pro ले ले। तो खैर जब ये आएगा देखी जाएगी, क्योंकि इतना महंगा मोबाइल नहीं होगा। Realme X3 ने भी महंगा मोबाइल फोन लॉन्च किया था, तो हमने बायकॉट कर दिया था। अभी देखते हैं कि कब ये आएगा और कब इसका जो है इसका बायकॉट होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक करके लाजमी से जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी से प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जेड़ा माड़ा बोले मेरे बारे मर जाए, जेड़ा माड़ा सोचे मेरे बारे मर जाए, जेड़ा माड़ा बोले मेरे बारे मर जाए, जेड़ा माड़ा सोचे मेरे बारे मर जाए।